महाराज का दरबार। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, एक तरफ मंत्री व दरबारी गण बैठे हैं, सामने अन्य लोग बैठे हैं। मंत्री जी, शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं? हाँ महाराज। जिनके बारे में शिकायत आई है, क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है? हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में है। वे पास के कमरे में बैठे हैं। ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें, पहले पानी को बुलाया जाए। मंत्री इशारा करते हैं। भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है। उसके कपड़े के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कलकल आवाज सुनाई देती है। महाराज की जय। पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज हैं। मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। महाराज, लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा। नदियों और नहरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचा देता है। महाराज, ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने देते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता। भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है? लोग आपस में फुसफुसाकर बातें करते हैं, फिर उनमें से एक बोलता है। महाराज, यह तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, यह तो इस पानी की मनमानी है। नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है। जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वहाँ मैदान बना दिए हैं, वन नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है? वर्षा ना होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? जो बादल बना है वह तो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहनी चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहाँ तो मैं जाऊंगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं। ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, यह कैसे संभव है? लोग फिर आपस में बात करते हैं। महाराज, हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है। हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। महाराज, पानी आंख मूंद कर चलता है। नहीं महाराज, मैं देखकर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ। कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है। पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर आता था और सीधे पानी के रास्ते वाली नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ से वृक्ष साफ कर दिए हैं। मैं वहां से उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता है कि नीचे मैं कहाँ मिलूंगा। कोई और शिकायत? कोई नहीं बोलता। तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी। वैसा ही दरबार। इस बार पानी की जगह हवा है। हवा बनी लड़की के कपड़े उड़ रहे। पर्दे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधे उस पर पड़ रही है। साए साए की हल्की आवाज,
मंत्री जी। जी महाराज। हवा के प्रति लोगों की क्या शिकायतें हैं? एक आदमी आगे आता है। महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती, यह हर समय हमारे यहाँ बदबू फैलाती है। महाराज, यह आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास ना तो खुशबू है ना बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था, पर आजकल ये लोग मरे हुए पशु पक्षियों को यहाँ वहाँ डाल देते हैं। उनके कारण मैं बदबू वाली हो जाती हूँ। इनके कारखाने से निकली गंदगी और गैसें मुझ में घुल जाती हैं, और ये बदबू दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है, एक बार भोपाल के कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी, और कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के ढेर ना लगाए, सफाई रखें। लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था? चलना मेरा काम है, आप कहते हो तो लो, मैंने चलना बंद कर दिया। हवा का चलना बंद हो जाता है, सभी घुटन महसूस करते हैं। अरे हवा रानी, नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हवा बहने लगती है। हवा के बारे में कोई और शिकायत? महाराज, हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत और कूड़े से भर देती है। हवा तो बहे, पर आंधी क्यों? महाराज, आंधी से इनका मतलब तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, पर इन्हें जब गर्मी लगती है तो पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा देते हैं। उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है, मैं तेजी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेजी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की चीजें मेरे रास्ते में होती हैं, मेरे साथ उड़ने लगती हैं। ये अपने घर और दुकान साफ करके कूड़ा घर के आसपास गली में या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े के ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घरों में जाता है। महाराज, लोग अपने गाँव या शहर में पॉलीथीन की थैलियाँ सड़कों पर फेंक देते हैं। ये मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती है और फसलों को नुकसान पहुंचाती है। इससे मेरा मन बड़ा दुखी होता है। मैंने सबकी बात सुनी है। लोग हवा से दुखी तो हैं, पर कसूर हवा का नहीं है। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी हवा दूषित होने से बचेगी। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। इसमें ही हमारा भला और बचाव है। लोग हवा पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं।